गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार हमारी आज के क्रांति संबंधी विचारों से काफ़ी भिन्न हैं। जिस तरह आज राज्य में जनता या जनता के किसी भाग के द्वारा सशस्त्र विद्रोह के नाम को क्रांति कहा जाता है, लेकिन अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन। अरस्तु ने पॉलिटिक्स अपनी जो रचना है कि पांचवी पुस्तक में क्रांतियों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए उसके अर्थ, उसके कारणों, उसके उपायों पर प्रकाश डाला है। अरस्तु के अनुसार संविधान में होने वाला परिवर्तन क्रांति है। संविधान में होने वाला छोटा बड़ा परिवर्तन, संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन क्रांति कहलाता है। संविधान में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक पूर्ण बदलाव पूर्ण क्रांति कहलाता है, और इससे संविधान में एक नए भाग की शुरुआत होती है। और संविधान में किसी एक छोटे भाग में अगर परिवर्तन होता है तो आंशिक परिवर्तन कहलाता है। तो अरस्तु के विचारों में क्रांति के प्रकार, अरस्तु ने क्रांति के पांच प्रकार बताए हैं। पांच प्रकार बताए हैं। पांच प्रकारों में पहला प्रकार है आंशिक और पूर्ण क्रांति। पूर्ण क्रांति का मतलब संविधान में पूर्ण रूप से परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जैसे प्रजातंत्र से कुलीन तंत्र आ गया या कुलीन तंत्र से राजतंत्र आ गया, इस तरह से आंशिक परिवर्तन है संविधान के एक छोटे भाग में परिवर्तन, जिससे मतलब पूरी शासन व्यवस्था नहीं बदलती, वो आंशिक क्रांति है। और दूसरा प्रकार है रक्त पूर्ण क्रांति और रक्तहीन क्रांति। जब संविधान में परिवर्तन सशस्त्र विद्रोह के कारण होता है, खून खराबा होता है, तो ये रक्त पूर्ण क्रांति कहलाती है। और जब संविधान में संशोधन है, वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है, तो यह रक्तहीन क्रांति कहलाती है। तीसरा प्रकार है व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत क्रांति। अरस्तु के अनुसार संविधान परिवर्तन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को पदाच्युत करने से होता है, तो यह व्यक्तिगत क्रांति होती है। मान लो अपने मुख्यमंत्री, जैसे वर्तमान में देखें तो मुख्यमंत्री वगैरह को चेंज करना है, कोई राजा को चेंज करना है, व्यक्तिगत हो गया। जब संविधान परिवर्तन का उद्देश्य गैर व्यक्तिगत, जब किसी एक व्यक्ति के प्रति विरोध नहीं होता, पूरा सिस्टम चेंज करना होता है, तो ये गैर व्यक्ति क्रांति होती है। वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति, इसमें राज्य के निर्धन व्यक्ति राजतंत्र, धनिक तंत्र के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, और धनिक वर्ग राजतंत्र या जनतंत्र के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। यदि निर्धन व्यक्ति राजा या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध, मतलब आर्थिक जो वर्ग हैं अमीर और गरीब, वो एक दूसरे के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, तो यह वर्ग विशेष क्रांति कहलाती है। वाग्य वीरों की क्रांति, जब किसी राज्य के कुछ करिश्माकारी नेतागण अथवा वाग्य वीर, मतलब जो बोलने में चतुर हों, अपने भाषा से, भाषणों से जनता को आकर्षित करते हैं, लुभाते हैं, नारों व चमत्कारों के द्वारा अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए राज्य में क्रांति कर दे, तो यह वाग्य वीरों की क्रांति कहलाती है। मतलब कोई चमत्कारी व्यक्तित्व का नेता हो, जैसे हिटलर, मुसोलिनी उभरे, तो वो उसके उदाहरण में आ जाएंगे। अब हम हैं क्रांति के कारण क्या हैं। अरस्तु ने क्रांति के तीन कारण बताए हैं, सामान्य कारण, विशेष कारण और विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण। तो पहले हम देखेंगे सामान्य कारण। क्रांति के सामान्य कार्य के बारे में अरस्तु ने कहा है, राजद्रोह का कारण सदैव ही असमानता में पाया जाता है। क्रांति का मुख्य कारण क्या है? असमानता, विषमता क्रांति का मुख्य कारण है। समानताएं दो प्रकार की होती हैं, संख्यात्मक समानता और योग्यता संबंधी समानता। अरस्तु इस स्थिति में उत्पन्न होने वाले मनोदशा को क्रांति का सामान्य
मूल कारण मानते हुए कहते हैं, जब असमानता होती है तब क्रांति उत्पन्न होगी। और इस क्रांति का मूल कारण मानते हुए कहते हैं कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके हृदय समानता की भावना से ओतपोत होते हैं। वे जानते हुए विद्रोह खड़ा किया करते हैं कि यद्यपि वे उन लोगों के समान हैं जो उनसे कहीं अधिक पाए हुए हैं, तथापि उनको समय अन्य लोगों से कम सुविधाएं प्राप्त हैं। दूसरे कुछ विद्रोह करने वाले वे लोग होते हैं जिनका हृदय असमानता की भावना से भरा होता है, क्योंकि वे ये समझते हैं कि यद्यपि वे अन्य लोगों से बढ़कर हैं, तथापि उनको अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक कुछ नहीं मिला। प्रत्युत्तर, वो दूसरों के बराबर या उनसे कम हैं। इस प्रकार छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बना करते हैं। बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए यदि यही वह मनोदशा है जिसे क्रांति की उत्पत्ति होती है, तो जो सामान्य कारण है वह है असमानता। असमानता सामान्य कारणों में प्रमुख है। अब है क्रांति के विशेष कारण। क्रांति के विशेष कारणों में हम देखेंगे पहला है शासकों की धृष्टता या लालच। जब शासक है वो व्यक्ति के व्यवहार से धृष्ट होते हैं, लालची होते हैं और जनता के हित में कार्य नहीं करते, तो जनता के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। असमानता के प्रति जन विद्रोह की भावना। जब शासक के द्वारा जनता के साथ असामान्य व्यवहार किया जाता है तो जनता के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। लाभ प्राप्ति की इच्छा। प्रत्येक व्यक्ति लाभ प्राप्त करना चाहता है और जब उसे इच्छित लाभ नहीं मिलता तो वह विद्रोह कर देता है। भय दो प्रकार के व्यक्तियों को क्रांति के लिए प्रेरित करता है। अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड का भय होता है, इससे बचने के लिए वो विद्रोह करते हैं। और कुछ दूसरा ऐसे व्यक्तियों को ये डर होता है कि कहीं उनके साथ अन्याय ना हो जाए। शासक का दुर्व्यवहार। अगर शासक अपनी जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, शासक भ्रष्ट है और रिश्वत का बोलबाला है, भाई भतीजावाद है, तो ऐसे समय में क्रांति हो सकती है। बड़प्पन का भाव। प्रत्येक व्यक्ति समय को योग्य समझता है और दूसरे से बड़ा होना चाहता है, और इसी बड़े होने के कारण वह क्रांति कर देता है। द्वेष भावना। द्वेष भावना, जब शासक वर्ग किसी के प्रति द्वेष रखकर उसके साथ समान व्यवहार नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में द्वेष का शिकार व्यक्ति क्रांति कर देता है। राज्य में छोटे छोटे परिवर्तनों पर ध्यान ना देना। अगर राजा जागरूक नहीं है और वो राज्य में होने वाले धीरे धीरे छोटे परिवर्तनों पर ध्यान नहीं देता, तो यह छोटे परिवर्तन क्रांति का रूप ले लेते हैं। जाति में अंतर। जाति के आधार पर अगर राज्य विभिन्न वर्गों में बंटा है और उनके साथ असमान व्यवहार होगा तो क्रांति होगी। घृणा। घृणा क्रांति का प्रमुख कारण है। जब राज्य में एक वर्ग या दल बहुत समय तक सत्तारूढ़ रहता है तो उसका विरोधी वर्ग दल उससे घृणा करने लगता है। इस घृणा का कुछ समय के बाद क्रांति के रूप में विस्फोट होता है। नेक्स्ट है फरमाद या आलस। जब शासक क्रांति का प्रमुख कारण है, जब शासक आलस व प्रमाद में रहता है, जनता की तरफ ध्यान नहीं देता, तब क्रांति होती है। निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र। निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र भी क्रांति उत्पन्न करते हैं। चुनावों में अगर धांधली हो और जनता जिस व्यक्ति के पक्ष में हो उसे शासक ना बनाया जाए तो वह क्रांति का रूप ले लेता है। पारिवारिक विवाद। पारिवारिक झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, बेमनस्यता के कारण भी राज्य में क्रांति हो जाती है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में तो आमतौर पर जो
क्रांति होती है वो पारिवारिक विवादों के कारण ही होती है। अब हम देखेंगे अरस्तु के विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के विशेष कारण। पहले प्रजातंत्र के संबंध में, प्रजातंत्र के संबंध में क्रांति का मूल कारण समानता है। प्रजातंत्र में समानता की भूख होती है, इसी के कारण क्रांति होती है। दूसरे कारण में है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र के अंदर क्रांति का प्रमुख कारण है जो कुलीन वर्ग है वो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है, इसी के कारण वो दूसरों के साथ अपमानजनक व्यवहार करता है और क्रांति का रूप ले लेता है। अब कुलीन तंत्र का विकृत रूप है धनिक तंत्र। धनिक तंत्र में क्रांति का कारण है जो विशेषाधिकार है, जो सारी सुविधाएं हैं वो कुछ व्यक्तियों के पास है और वो धन के आधार पर, और वो लोग अपना पूरा धन और अपना समय है वो फिजूल खर्चे में खर्च करते हैं, संपत्ति को स्वाहा करते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध जनता में क्रांति की भावना आ जाती है। फिर हम एक तंत्र में देखेंगे तो एक तंत्र में शासन के दो रूप आएंगे, राजतंत्र और निरंकुश तंत्र। पहले राजतंत्र देखते हैं। राजतंत्र में राज परिवार में आंतरिक कलह होने पर या राजा के निरंकुश बनने का प्रयास करने पर विद्रोह की उपस्थिति पैदा होती है। राजा के द्वारा किया जाने वाला अन्यायपूर्ण अपमान व अन्य लोगों को पहुंचाई जाने वाली क्षति राजतंत्र को नुकसान पहुंचाती है और इससे क्रांति की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। राजतंत्र का दूसरा रूप था, विकृत रूप था, निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र में क्रांति का कारण है निरंकुश तंत्र के व्यक्तिगत स्वार्थ। स्वार्थों की असीमित रूप में पूर्ति के उद्देश्य क्रांति का कारण बनते हैं। विद्रोह का मुख्य कारण है निरंकुश तंत्र में अन्यायपूर्ण उत्पीड़न, आतंक, अत्यधिक तिरस्कार आदि। इसमें असहाय, अपमान, संपत्ति का अपहरण आदि कुछ प्रमुख प्रकार के अन्यायपूर्ण उत्पीड़न कहे जा सकते हैं। निरंकुश विधानों के लिए ये चीज़ें घातक होती हैं। इसी प्रकार अत्यधिक भय, तिरस्कार की भावना भी निरंकुश तंत्र के अंदर क्रांति की भावना पैदा करती है।